अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी जोमान में रखे। तो माशाल्लाह जी, आज लेंटर डलना है। अभी ये सुबह सुबह मशीन वगैरह फिट कर रहे हैं, तो ये देखें, ये बिजली की फिटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। और ये जो थोड़ी बहुत ही साइड पे जो कॉलम वगैरह रह रहे हैं, उस पर जो है ना वो शटरिंग वाले काम कर रहे हैं। तो ये साइडों पर फट्टे वगैरह जो वो लगा रहे हैं, तो माशाल्लाह देखें, ये मशीन की फिटिंग हो रही है। क्योंकि ये रोड वाली साइड पे नहीं लगाई, क्योंकि ऊपर तारे हैं, उस वजह से जो है ना दूसरे घर से लगाई हैं। तो माशाल्लाह जो हमारे हमसाए हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने छत पे से लेंटर डालने की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो ये देखें, माशाल्लाह लेंटर का काम शुरू हो चुका है, मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इन लोगों की ज़िंदगी में बरकत दे जी। माशाल्लाह देखें किस तरह ये मशीन जो है ना काम शुरू कर दिया है मशीन ने। तो ये बड़ी मेहनत और तगद्दोस से काम करते हैं मज़दूर हज़रात, तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। तो ये देखें ऊपर माशाल्लाह, ये यहाँ से इतना सा जो है ना लंटर डल चुका है। तो अब ये दूसरी साइड ये देखें माशाल्लाह, तो वो लंटर डलने के साथ साथ ये जो काम शुरू होता है शटरिंग वालों का, बिजली वालों को पाइप सीधे वगैरह, ये भी साथ ही साथ रहता है। सब रल मिल के भी एक लंटर डलता है, तो माशाल्लाह काफ़ी तरद होता है। क्योंकि ये फाइनली एक काम, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये बिजली का और बाकी सिस्टम रुक जाता है, क्योंकि ये फाइनल ईयर है। तो देखें माशाल्लाह इंतहाई तेज़ी से, क्योंकि शुरू होते होते ये तकरीबन 12 बज चुके थे। क्योंकि मशीन की फिटिंग, फिर साइडों का काम थोड़ा बहुत जो भी रहता है, वो भी होते होते जो है ना 12 बज ही जाते हैं। हालांकि सुबह 8 बजे ये मशीन वाले पहुंच आए थे फिटिंग वगैरह करनी, फिर सेटिंग करनी है फ्रंट साइड पे, तो तारें थी। तो ये साथ हम साए हैं जी, अल्लाह ताला इनको इसी तरह से और ज़िंदगी दे। बहुत अच्छे हैं, ये देखें इन्होंने अपनी दीवार तोड़वा के अपने छत पर से। ये बहुत बड़ा काम है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। बस अल्लाह ताला जिन्स को तौफीक दे वो कर सकता है। तो ये दीवार तोड़ के फिर बराबर इसी तरह इनकी दीवार मरम्मत करके माशाल्लाह जो है ना वो देंगे। लेकिन वक्ती तौर पे जो है ना इनका बहुत बड़ा एहसान ही समझें, और हमसायों का हकूक भी होता है। तो हमको भी अल्लाह तौफीक दे कि हम भी इस तरह अपने जो है ना हकूक अदा करने की कोशिश करें। हर किसी को अपने हकूक अदा करने चाहिए, अपने हमसायों की जो थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ होती है उनकी तरफ से उनको बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये देखें ऊपर से माशाल्लाह ये काम हो रहा है। तो बहुत सख्त काम होता है, होता तो एक दिन का ही है, लेकिन माशाल्लाह होता बड़ा सख्त है। ये देखें, ये ऑपरेटर नीचे होता है मशीन का, तो बाकी आगे दो बंदे लगाए होते हैं जिन्होंने आगे माल जो है ना ये बना हुआ आगे तक पहुंचाना होता है। फिर आगे मिस्त्री ने इसको बराबर करना होता है। ये अकेले बंदे का काम नहीं होता, ये फुल एक मैनेजमेंट होती है, उसके साथ ही सब मिलके काम करते हैं। तो फिर घर बनते हैं जी। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर नसीब करे। ये बनाने वाले को भी अल्लाह ताला इसमें रहना नसीब करे, वरना अक्सर जो है ना वालदैन अपने बच्चों के लिए बनाते हैं और ख़ुद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो बारह अल्लाह ताला सब के वालदैन को जो ज़िंदा है उनको सेहत और ज़िंदगी दे, और जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे जी। बड़ी मेहनत करते हैं अपनी औलाद के लिए वालदैन। तो
फिर इसीलिए अल्लाह ताला ने भी इन वालदैन के हुकूक में उफ तक न कहा कि उन्हें उफ तक न कहो। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह एक टीम वर्क बेहतरीन टीम वर्क होता है, उसके तहत ही काम होता है माशाल्लाह। तो देखें किस तरह सभी अपने अपने काम में लगे हुए। तो ये देखें तकरीबन ये आधा लेंटर हो चुका है, आधे से ज़्यादा ही हो चुका है, क्योंकि आगे ये बस एक कमरा ही बचता है जो कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम शॉप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ये साथ सीढ़ी भी बन रही है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक तो आ गई थी, तो ये ऊपर वाला स्टेप बन रहा है माशाल्लाह। सीढ़ी का काम भी साथ साथ हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये शेड है आगे 3 फुट रोड की तरफ। ये देखें बस ये सारा गया, बाकी लेंटर डल चुका है।